हेलो तो गाइस, गुड आफ्टरनून गाइस। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर विक्की ध्यान पे। तो आज हम फिर से आ गए हैं आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि जो बहुत सारे लोगों का डाउट था कमेंट में, बहुत सारे लोगों का डाउट था, तो आज उन सभी के डाउट के बारे में बात करेंगे। कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर कि फिजिकल कब तक होगा, एग्जाम कब तक हो जाएगा, और सर कट ऑफ कितनी रह सकती है, और कट ऑफ पिछली बार क्या गई थी, और सर इसका मेडिकल कैसे होगा, मेडिकल क्या क्या दिक्कत है। तो आज हम उन्हीं सभी के बारे में बात करेंगे, इसमें DME किस में मिलता है, RME तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और एक्सपेक्ट कट ऑफ, सैप स्कोर, तो उन सभी की बात कर ले आज हम। तो गाइज देखो, इसका फिजिकल मैं आपको बता दूँ, देखो अभी फॉर्म है 8 जुलाई को बंद हो जाएंगे फॉर्म, अभी कुछ ही टाइम है, तो जिस भाई ने भी महीने भरा वो फॉर्म भर दो सबसे पहले। तो गाइज देखो, अभी डेट निकलते ही, क्योंकि इस बार भी प्रोसेस बहुत फास्ट होगा, पिछली बार भी बहुत फास्ट होगा, तो सबसे पहले हम बात कर लें फिजिकल की। तो फिजिकल मेरे हिसाब से देखो गाइज, सितंबर तक होने की पूरी संभावना है, सितंबर नहीं तो एंड में, या फिर नहीं अक्टूबर में आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो प्रिपरेशन में आप ज़बरदस्त तरीके से, एक तरीके से कंटिन्यू दौड़ते रहो आपका फिजिकल। तो वेट मत करना कि फिजिकल की डेट आएगी तब करेंगे। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यार भैया, मतलब जैसे कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखो सेफ स्कोर तो देखो कोई सा भी सेफ स्कोर नहीं है अभी मैं बता दूँ आपको, 60 कट ऑफ चल जाए, 62 तो फिर बोलोगे आप मेरे को, मैं बता दूँ 70 कट ऑफ चल जाए, 75 तो कट ऑफ। देखो आप कट ऑफ का तो एक्सपेक्टेशन यही है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लाने की कोशिश करो, सिलेबस आपके पास है उसको ध्यान में रखते हुए करो। और पता है पिछली बार 3 दिन लिस्ट आई थी, तो पिछली बार जी कट ऑफ एक बार और बता दूँ मैं, पिछली बार जैसे जनरल की कट ऑफ बता दूँ मैं, CRPF SCM की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसकी कट ऑफ गई थी 63 के समथिंग मान लो आप। ओबीसी की लगभग 55 रही थी, और SC की 44, ST की तो 39, और EWS की 56, ये कट ऑफ थी। तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हो कट ऑफ क्या रहने वाली, लेकिन पिछली बार नेगेटिव मार्किंग थी और इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वो चीज़ें हैं। और गाइज मेडिकल तो देखो, इसमें मेडिकल भी बहुत टफ रहने वाला है, जिसकी आंखें ज़्यादा ही माइनस में है, तो उसके लिए तो बेकार है देखो फॉर्म भरना, झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है, मैं सीधी सीधी बात बताऊँ तो जिसकी ज़्यादा माइनस में है। हाँ अगर 1 नंबर तक 1.5 नंबर तक है तो आराम से फॉर्म भरिए, ऐसा कोई बात नहीं है, उस टाइम तक अगर आँखों की जो भी विटामिन मिलता है वो चीज़ें खाते रहो और वगैरह, तो 1-1.5 नंबर तो आपका किस्मत है अगर निकल जाइए तो, लेकिन वहाँ तक पहुँचो पहले। और एग्ज़ाम गाइज देखो, एग्ज़ाम लगभग इसका होगा जो फिजिकल का रिजल्ट आने के बाद, आपको पता है तुरंत ही रिजल्ट देखने के बाद लगभग दिसंबर तक आप एग्ज़ाम मान सकते हो कंप्यूटर बेस का एग्ज़ाम। और फिर बार बार मत पूछना, मैं बता दूँ एग्ज़ाम दिसंबर में, तो और उसके बाद फिर आपका टाइपिंग होगा, जो भी 10 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे उसके लिए, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि टाइपिंग के लिए 10 गुना लिए जाएंगे, अगर कैंडिडेट शॉर्ट रहते हैं तो वो BSF और भी वैकेंसी या और भी लिस्ट निकाल सकता है, उनको प्रॉपर कैंडिडेट जितने चाहिए उतने नहीं मिलते हैं तो सीट वैकेंट रहती है, तो आपने पिछली बार देख भी चुका होगा। और गाइज मेडिकल देखो, मेडिकल की बात बता दूँ, मेडिकल बहुत टफ रहने वाला है, क्योंकि दांत वगैरह जिसका ही बहुत, एक तो सीधे नीचे फ्लिट नहीं होने चाहिए, बिल्कुल चपटे पैर नहीं होने चाहिए, उसमें भी एकदम फ्री मेडिकल डाल देते हैं। और जैसे मेरे को खुद को गाइज वो मिला था, री मेडिकल मिला था, और आँखों में तो बहुत सारे बंदों को, बहुत सारे बच्चों को निकाला भी था। और जैसे हाथ की बात कर ले तो ये प्रॉपर इसमें एंगल 30 डिग्री का, वो जो प्रॉपर उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से रहना चाहिए 30 डिग्री, और ये चीज़ें हैं। और आपका CVC वगैरह जो खून की ब्लड वगैरह उसमें भी देते हैं, जैसे हार्ट का, तो लेकिन हार्ट का जैसे BP वगैरह का देते हैं, लेकिन उसमें आपको रिमेडिकल मिल सकता है, बहुत सारे लोगों को मिला था, लेकिन वो 3 से 4-5 बार ना आपका मेजरमेंट दोबारा करेंगे अगर उसमें, क्योंकि ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती है, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है। तो ये गाइस थे, और कई भाई लोगों ये भी कमेंट थे कि मैं कहाँ पोस्टेड हूँ, तो मैं भी CRPF SCM में पोस्टेड हूँ संबलपुर में, तो वो चीज़ें थी। तो ये चीज़ें डाउट थी जो लोगों के बहुत सारे बार बार पूछते रहते हैं, कट ऑफ कितनी जाएगी, तो कट ऑफ एग्ज़ाम कब तक होगा, तो ये चीज़ें, कट ऑफ का कोई सेफ स्कोर नहीं है, एग्ज़ाम से मैक्सिमम लाने की कोशिश करो, लेकिन इस बार नेगेटिव नहीं है तो आप मान के चलो, जैसे मैं 5-5 नंबर सब कम कर लेना, तो लगभग पिछली बार पता आपको CISF की भी आपकी कितनी कट ऑफ गई थी, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी उसमें,
तो आप 80 प्लस शायद 82 के समथिंग 84 के समथिंग गई थी, तो आप मान के चल सकते हो वैकेंसी कम थी। तो इस बार भी कंडक्ट करा रही है, टाइपिंग वगैरह सबका वही रहने वाला है। और कई भाई लोगों की टाइपिंग से रिलेटेड भी क्यों रही थी, तो मैं भाई लोगों आपको टाइपिंग कैसे तो क्या बताऊँ, मैं प्रॉपर एक टाइपिंग का ही वीडियो लेके आऊँगा। मैं खुद बैठ के आपको बताऊँगा कौन सा फ्रंटर कहाँ रखना चाहिए, कौन सी अंगुली कहाँ रखनी चाहिए और कैसे बेसिक सी प्रैक्टिस करनी चाहिए जिसकी बिल्कुल भी नहीं है और जिस मैंने बिल्कुल भी नहीं सीखी है। तो जैसे हिंदी में इंग्लिश में करनी चाहिए, तो वो अभी कोशिश ही कर रहा है जैसे सीखने की अभी, तो वो इंग्लिश में बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें प्रॉपर पूरे कीवर्ड होते हैं जो आपका कीबोर्ड होता है उस पर होते हैं, तो आराम से देख के भी कर सकता है। बाकी हिंदी की में मंगल फॉन्ट आता है और इंग्लिश में तो फॉन्ट जो रहता है वही है। तो टाइपिंग के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, जैसे कीवर्ड वगैरह जो सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी है चीज़ें एक साथ बना के मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जैसे कौन सा कीबोर्ड पे या फिर कौन से जो ओटीजी भाई जिसके पास कीबोर्ड या मतलब लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो भाई मोबाइल से कर सकता है, उसके लिए ओटीजी भी ले सकते हो, ओटीजी भी कर सकते हो बिल्कुल। जो आपके मतलब जिस आसपास अगर कोई नियरेस्ट दुकान नहीं है तो ऑनलाइन भी वो मंगवा सकता है आराम से, 20 रुपये का आएगा, तो वो चीज़ें है। तो प्रैक्टिस करते रहो, कंटिन्यू करते रहो, ये चीज़ है, एग्ज़ाम हो जाएगा, नो टेंशन रहो, उसकी जिम्मेदारी है BSF की, वो आप अपनी तैयारी प्रॉपर रखो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको सही लगे तो लाइक कर देना, लाइक तो क्या करना, तो अगर नहीं जो भी चीज़ है दिक्कत वो आप कमेंट में भेज पूछ सकते हो, आपने मैंने पहले बताया था। तो ये चीज़ है टाइपिंग से रिलेटेड और एग्ज़ाम सिलेबस और कई बहुत तैयारी थी, आपने कहाँ से तैयारी की, तो भैया मैंने खुद से सेल्फ किया था और यूट्यूब से पढ़ा जो मेरे कंटेंट अच्छा लगता है। खूब सारे यूट्यूब चैनल हैं जो अच्छा अच्छा भी कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं आपके लिए, GS वगैरह के लिए या फिर मैथ्स के लिए या फिर रीजनिंग के लिए, तो करते रहो कंटिन्यूटी, बहुत अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, तो इसमें भाई लग जाओगे 2025 में आपके हाथों में जॉब होगी, क्योंकि गवर्नमेंट पता आपको कितना प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो जो गवर्नमेंट जॉब होना बहुत अच्छी, मतलब इस ज़माने में गवर्नमेंट जॉब को पता कितनी वैल्यू मिल रही है आजकल, तो ये चीज़ें हैं। मिलते हैं भाई फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ जो टाइपिंग से रिलेटेड आएगा। ठीक है भाई, जय हिंद सभी को।